ज्ञानवापी को लेकर जारी अदालती लड़ाई के बीच ज्ञानवापी मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर सिंह ने एक सनसनीखेज दावा किया है। सुधीर सिंह का दावा यह कि ज्ञानवापी मस्जिद का खर्चा फिलहाल जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी चलाता है। रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी विवाद में अब यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की भी एंट्री हो गई। ज्ञानवापी मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर सिंह ने जी मीडिया से जो दावा किया है उसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो सकते हैं। सुधीर सिंह ने कहा कि साल 2012 में मुख्तार अंसारी इलाज के सिलसिले में बीएचयू के स्पेशल वार्ड में भर्ती था और तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। सुधीर सिंह तब समाजवादी पार्टी के ही नेता थे। मुलायम सिंह ने सुधीर सिंह को फोन कर बीएचयू जाकर मुख्तार का हालचाल जानने का आदेश दिया और जब सुधीर सिंह बीएचयू गए तो वहां ज्ञानवापी के मौलाना मुफ्ती बातिन मुख्तार के पास पहले से मौजूद थे और उन्होंने मुख्तार से ज्ञानवापी मस्जिद के रखरखाव में पैसों की कमी का रोना रोया, जिसके बाद मुख्तार ने अपनी गाड़ी में रखे पैसे किसी से मंगवाकर 10 लाख तत्काल मौलाना मुफ्ती बातिन को दे दिए। मस्जिद के सदर मौलाना मुफ्ती साहब जो है बातिन साहब वो कमरे में थे और वो मुख्तार अंसारी को तमाम मस्जिद के अंदर आने वाली दुश्वारियां बता रहे थे। वो बता रहे थे कि उसका रखरखाव नहीं हो पा रहा है, रंग रोशन नहीं हो पा रहा है। मुख्तार अंसारी ने अपने पीए जो शाहिद था उससे कहा कि मेरे गाड़ी में पैसे पड़े हैं, उसमें से 10 लाख रुपये निकाल करके मौलाना वातिन साहब को दो जिससे उसका रखरखाव ये कर सकें। सुधीर सिंह के मुताबिक 10 लाख लेने के बाद मौलाना वातिन ने ये कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के रखरखाव में 10 लाख काफी नहीं है, इसके लिए और पैसों की जरूरत पड़ सकती है। तब मुख्तार ने मौलाना बातिन को भरोसा दिया हर महीने इस काम के लिए जितनी भी जरूरत होगी उतने पैसे वो देते रहेंगे। सुधीर सिंह का कहना है कि पहले औरंगजेब ने शिव मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई और अब औरंगजेबी मानसिकता के लोग उसका खर्चा चला रहे हैं। मुख्तार अंसारी पैसा दे रहा है, इन अंजुमन इस्लामिया जो मुकदमा लड़ रही है उसका पूरा फाइनेंस मुख्तार अंसारी का है। जो सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील 20 लाख 25 लाख के खड़े किए जा रहे हैं इसके पीछे पूरा फाइनेंस मुख्तार अंसारी का है। यही वजह है कि यूपी में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब ज्ञानवापी को लेकर किसी ने याचिका तक डालने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब यूपी में बाबा है और ज्ञानवापी की लड़ाई अदालत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक बहुत छोटे से अंतराल का वक्त हो चला लेकिन आप बने रहिएगा जी हिंदुस्तान के साथ।